हेलो स्टूडेंट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं करोजन के बारे में कि करोजन क्या होता है, करोजन कितनी टाइप से हो सकता है और करोजन के क्या क्या मेजर्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, करोजन से रिलेटेड हम सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करोजन होता क्यों है, किस कारण से करोजन होता है, करोजन है क्या, उसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, करोजन को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगली बात ये आती है कि अगर करोजन लग गया है तो उसको हम किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं करोजन होने के बाद किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका कोर्स आउटलाइन है, इसमें सबसे पहले क्या है, जो भी इंट्रोडक्शन है वो पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको करोजन का प्रोसेस पढ़ाया जाएगा, करोजन कहीं होता कैसे है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ करोजन, कि अगर कहीं पे करोजन हो गया है तो कितनी तरह से करोजन हो सकता है, कितने टाइप्स का करोजन होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आपका काज ऑफ करोजन है, कि जितने जितने टाइप का करोजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, उसका क्या कॉज है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन मेथड, कि जो भी हमारे करोजन जितने भी टाइप से करोजन हुए हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं या उनको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंक्लूजन। ठीक है, पूरे चैप्टर का क्या कंक्लूजन निकला। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं जो भी मेटेलिक मटेरियल बात करें, जैसे स्टील हो गया आपका, ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया, सॉफ्ट स्टील की बात अगर हम करें, रॉट आयरन की बात करें, या जो भी आपकी स्टील्स के मटेरियल हैं जिनमें भी मैकेनिकल जिनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आपके बाहरी सरफेस से अगर वो रिएक्शन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, करोजन हो जाता है। उसमें करोजन होने का सेंस क्या है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं और अपनी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो पपड़ी के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, छोड़ने लगते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन ए मटेरियल यूजली ए मेटल एंड इट्स इन्वायरमेंट दैट प्रोड्यूसेड डिट्रीशन ऑफ द मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कहने का सेंस क्या है, किसी एक केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ये केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जो कि कहाँ कहाँ होता है, मेटल में होता है और आउटर इन्वायरमेंट और मेटल के बीच में जो रिएक्शंस होता है वो रिएक्शन या तो केमिकल हो सकता है या तो इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है। ठीक है, ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, लेकिन आप इस बात को श्योर कर लें कि इसी रिएक्शन से क्या होता है, करोजन होता है। ठीक है ना, अब जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम अपना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉन्क्रीट का, तो कॉन्क्रीट को मजबूत करने के लिए और भी ज़्यादा उसको मजबूती देने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, टेंशन बार्स का यूज करते हैं। टेंशन बार आप कह लें या फिर आप बार्स कह लें, बार्स का उसको क्या करते हैं, बार्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, बार्स का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जो बार्स होता है वो हमारा क्या होता है, ना तो वो उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत आवे, ठीक है, क्योंकि अगर वो आउटर एटमॉस्फेयर में रहेगा तो किसी भी तरह से दिक्कत आ सकता है, इसी वजह से उसको हम क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर लगाते हैं। ठीक, तो बात आती है करोजन होता कैसे। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ स्टील करोजन इन कंक्रीट। कंक्रीट में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कंक्रीट में हमारा क्या होता है, कंक्रीट हमारा जो मेनली होता है वो आयरन का होता है, आयरन आप समझ रहे हैं कि आयरन हमारा क्या होता है, हमारा Fe होता है। ठीक है, Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। ये जब हमारे बाहर के सरफेस से क्या करता है, बाहर के सरफेस से रिएक्शन करता है, बाहर का सरफेस अगर मैं बोलूँ तो आपका आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट से जब ये रिएक्शन करता है तो Fe जब ये रिएक्शन करेगा किससे, आउटर इन्वायरमेंट से करेगा तो FeO बना लेता है ये। ठीक है, FeO क्या होता है, ये बहुत पतली सरफेस होती है,
बहुत पतली करोजन की सरफेस होती है जो ये क्षण क्या होता है अपने ऊपर बना लेता है, ठीक है। और ड्यू टू मॉइस्चर, ऑक्सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर की वजह से ये क्या करता है, ये आपका मॉइस्चर मॉइस्चर की वजह से क्या करता है, ऑक्सीजन एक ऑक्साइड का लेयर ऊपर क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, ऊपर ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, मेटल की कुछ पार्ट ही कैथोड और कुछ पार्ट एनोड की तरह बिहेव करने लगते हैं, और जो ऑक्सीजन में मॉइस्चर हमारा प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। आप फिर से ध्यान से सुनिए, जैसे हमने किसी कोने में दो बार्स को जोड़ा है, मैं आपको एक फिगर से समझा दूँ, जैसे एक बार ये है, एक बार ये है और दूसरा बार ये है, हमने ये आपका वॉल है या बीम है, आप जो भी चीज समझ लीजिए ये आपका बीम है, तो होगा क्या, इसमें मॉइस्चर एम पहले से मौजूद है, इसमें भी मॉइस्चर पहले एम से मौजूद है, ठीक है। तो जब इन दोनों चीज़ों में मॉइस्चर मौजूद है और मॉइस्चर में क्या है, लिक्विड है, तो इस तरह के प्रोसेस में क्या होता है, मॉइस्चर का जो लिक्विड होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करने लगता है, और जो आपकी दो छड़ें हैं तो एक आपका कैथोड, एक आपका एनोड का काम करने लगेगा और दूसरा आपका क्या करेगा, कैथोड का काम करने लगेगा, सेंस एक प्लस का काम करने लगता है, एक माइनस का काम करना करने लगता है। इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो प्रोसेस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट प्रोसेस होता है, तो आप जैसे जानते हैं कि बाहरी एटमॉस्फियर में हमारे, देखिए अब कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड चूंकि हमारा जो सरफेस है वो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और क्या करता है, जो हमारा वाटर होता है H2O उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उनको क्षण से मिल जाता है, तो ये आपका हाइड्रोक्साइड बना लेता है, OH बना लेता है, 4OH- बना लेता है। और एनोड पे क्या होता है, जो दूसरा क्षण है, क्षण पे क्या होता है, आयरन तो हमारा है ही, आयरन क्या करता है, आयरन के आयन्स में टूट जाता है और वो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बहुत हल्का सा करंट फ्लो होने लगता है, तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी बैटरीज होती हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें भी क्या होता है, करोजन की तरह ही आप देखे होंगे, उसमें हल्के 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 बाहरी स्पॉट पड़ने लगते हैं, तो सेम प्रोसेस वो भी यहीं पे होता है, इसमें भी सेम उसी तरह की दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, वो डीके होने लगता है ऊपर का सरफेस, या डिट्रियोट होने लगता है, जैसा भी समझे, और ये जो हमारा होता है ये हमारा करोजन होता है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, आयरन जो था पहले आयरन में ऑक्सीजन मिला तो FeO बन गया, ठीक है, फिर उसमें और ज़्यादा प्रोसेस हुआ, फिर और ऑक्सीजन मिला तो Fe3O4 बन गया, फिर प्रोसेस आगे बढ़ा Fe2O3 बन गया, फिर FeOH का ट्वाइस, OH का थ्राइस .3H2O, ये क्या हुआ, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ते गया, और इस तरह क्या हुआ, पूरे के पूरे बार्स में हमारा क्या हो गया, करोजन हो गया। अब बात आती है रिइंफोर्समेंट के प्रोटेक्शन के लिए बाय पैसिव फिल्म, ठीक है। अब पैसिव फिल्म का क्या है, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो सीमेंट का जो pH वैल्यू होता है वो लगभग 13.5 के करीब होता है, तो ये सब उसको क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी पैसिव फिल्म है Fe2O3 की, वो उसके अराउंड क्या होता है, काफ़ी आसानी से फॉर्म होने लगता है, और जब ये चीज़ फॉर्म होने लगता है तो जो हमारा 13.5 के करीब pH वैल्यू गया था, वो pH वैल्यू क्या होता है, वो pH वैल्यू घट के काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो ये सारा होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि कैन करोजन बी अवॉइडेड इन रिइंफोर्स कंक्रीट, क्या रिइंफोर्स कंक्रीट में करोजन को अवॉइड किया जा सकता है, तो हाँ भाई बिल्कुल किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्क्रीट में किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, अगर उसमें मॉइस्चर आए बहुत आसानी से क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा या फिर उसमें फटन चालू हो जाएगा और अंदर जो आपके बाहर से उसमें पानी आ जाएगा।
या तो इस एक केस है, कंक्रीट हमेशा जब भीगा रहता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उस रस्ट नहीं होता है, ये भी एक प्रोसेस है। या तो हम अगला प्रोसेस कर सकते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रीइन्फोर्समेंट होता है वो पूरे के पूरे रीइन्फोर्समेंट को हम क्या करते हैं, कैथोड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ईजी प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, वो सारा का सारा उसमें हम कैथोड में चेंज कर देते हैं, तब वो भी कैथोड है और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कैथोड है, तो दोनों कैथोड के वजह से वो कुछ में कुछ रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। एक नेक्स्ट आता है पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक की कोटिंग करनी होती है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों पे पॉलीमेरिक की कोटिंग कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। पॉलीमेरिक की जो कोटिंग होती है वो रिइंफोर्समेंट को क्या करता है, जो हमारा आउटर मॉइस्चर है उससे काफ़ी ज़्यादा वो बचाता है। ये जो है, ये प्रोसेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। अब बात आती है स्टेनलेस स्टील का, अगर हम प्रयोग करें या फिर क्लैडेड स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करें तो ये क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये कन्वेंशनल स्टील के मुकाबले क्या है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अगर हम कन्वेंशनल स्टील लेते हैं, कन्वेंशनल मतलब जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो आपका क्या हो गया, वो आपका कन्वेंशनल हो गया। तो कन्वेंशनल की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं या फिर हम क्लैडेड स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, ये अब बात आता है क्या हम करोजन को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं या पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, तो जही नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से तो हम नहीं कर सकते, करने के लिए तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कंक्रीट होता है, अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, तो कंक्रीट उसमें क्या होता है, हमेशा और हमेशा वो पानी के अंदर भीगा रहता है, और अगर हम बाहर के सरफेस की बात करें तो हमेशा और हमेशा वहाँ पे क्या होता है, वो ड्राई रहता है। तो दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस में दिक्कत होने की संभावना रहती है, ठीक है। जो हमारा एग्रीगेट्स होता है, ठीक है ना, उसमें जो एजेंट्स मिले रहते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डी आइसिंग एजेंट्स होते हैं, सी वाटर को डिफ्यूज करने के लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, करोजन उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से करोजन उसमें होना लाजमी बात बन जाती है। अब हम आगे आते हैं कॉजेज पे, कि वो क्या क्या कॉजेज हैं जिनके वजह से करोजन हो सकता है। तो सबसे पहले बात आता है, देखिए, कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन, क्लोराइड्स और आपका स्ट्रे करेंट्स, ये तीन तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्या हो सकता है, करोजन हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपने साइट पे ही वर्क कर रहे हैं, साइट से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ही उसमें कहीं से क्लोराइड आ जा रहा है, या तो कार्बनाइजेशन आ जा रहा है, या तो इन्वायरमेंट से या तो कंस्ट्रक्शन साइट से ही। अब देखिए, इन्वायरमेंट से क्या हो सकता है, जैसे वहाँ का अगर खारा पानी है, या फिर वहाँ के जो ग्राउंड वाटर है वो खारे हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें क्या है, उसमें सलाइन वाटर है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का हम यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी क्या होता है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। करोजन, सिवाइस करोजन में क्या होता है, इन्वायरमेंट में आपके क्या होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट होते हैं उसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन और लिक्विड को, ऑक्सीजन और वाटर के मॉइस्चर, मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर को क्या करते हैं, वो किसी ना किसी तरीके को से क्या करते हैं, वहाँ पे पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है आपका स्टील। अब देखिए, बात अगर हम करते हैं फिलीफॉर्म करोजन की, तो जो आपका सेवाइस करोजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इससे मिलता जुलता होता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और बहुत कम लो वैल्यू, पीएच की कम वैल्यू के लिए, जैसे आप जानते हैं कि पीएच की वैल्यू कम होती है तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या हो जाता है, वो बेस में चेंज हो जाता है, तो इस कारण भी कभी कभी क्या होता है, दिक्कत होता है।
आप देख सकते हैं जो करोजन है वो अर्ली एज में कैसा है और बाद में कैसा है, ठीक है। अर्ली एज कहने का सेंस है कि जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तब उस समय करोजन कैसा था और बाद में जाके कंक्रीट में वो जो क्रैक्स हैं या फिर जो बार्स हैं वो किस तरह हो गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो दूसरा प्रोसेस है इसको हम पिटिंग कहते हैं। देखिए पिटिंग में क्या हो गया, मेनली जो सरफेस है वो काफ़ी तरीके से गल गए हैं, पूरी की पूरी सरफेस नहीं, एक थोड़े से जगह की सरफेस क्या होती है पूरी की पूरी तरह वो गल के ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पिटिंग। अगर आप इसका रिएक्शन चाहते हैं तो रिएक्शन आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रिएक्शन दिया गया है। अब देखिए क्या होता है, जो कंक्रीट होता है कहीं ना कहीं उसमें हल्की सी पोरासिटी तो होती ही होती है। कितना भी अच्छा हम कंक्रीट क्यों ना तैयार कर लें उसमें हल्की सी पोरासिटी तो होगी। वही पोरासिटी क्या होता है, पैसिव फिल्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बाद में। अब देखिए अगर आपके कंक्रीट में क्लोराइड्स का इफेक्ट आया तो क्लोराइड्स के इफेक्ट की वजह से किस तरह अगर आपके कंक्रीट में क्लोराइड्स का इफेक्ट है तो उसके वजह से बार किस तरह गल जाती। देखिए ये क्या है, आपका एयर बर्न हवा से हो सकता है, इंडस्ट्री से हो सकता है, ग्राउंड वाटर से हो सकता है, फील्ड में कंस्ट्रक्शन करते टाइम हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम क्लोराइड जो आपकी कैल्शियम होती है जो आपकी क्लोराइड होती है, क्लोराइड क्या करती है, क्लोराइड के कारण ही क्या होता है, एक पैसिव फिल्म उसमें जो ऊपर होती है पैसिव फिल्म उसमें वो पूरी की पूरी बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ जाता है। और कार्बनाइजेशन में देखिए क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अवेलेबल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका किसी भी वाटर या फिर ऐसे मटेरियल से रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो कार्बनाइजेशन बना लेता है, कार्बनाइजेशन एसिड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा एल्गी है वो न्यूट्रलाइज होने लगता है, वो न्यूट्रलाइज होकर काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू गिर जाती है और वो धीरे धीरे क्या करता है, वो एसिड की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि नॉर्मल जो पीएच की वैल्यू होती है वो 13 या 14 के करीब होता है, लेकिन वो इसमें क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे गिरते हुए 9 पे आ जाता है। और इससे क्या होता है, आपके बार के ऊपर क्या होता है, पैसिव फिल्म बन जाता है। इसका पहला कॉज क्या है, ये जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं या डस्टिंग या कलर चेंज, ये तीन तरीके की चीज़ें करता है। जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं उसको ख़राब कर देता है, डस्ट जमा कर देता है और कलर चेंज कर देता है। ये मैं बार्स की बात बता रहा हूँ। बार्स में आप देखते हैं कि जब पपड़ी पड़ जाती है और पपड़ी निकल जाती है तो वो किस तरीके से हो जाता है, ठीक है। फिर हमको उसको सही करने के लिए उस पर रबिंग करना पड़ता है, उस पर पॉलिशिंग करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट रिड्यूसेस क्वालिटी कंक्रीट। वो कंक्रीट की जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के लिए हमने उस कंक्रीट को बनाया है, क्वालिटी कंक्रीट कहने का सेंस क्या है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसके पहले उसका प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर डिज़ाइन करके सारी चीज़ों को ले के चलना एक प्रॉपर वे में हमारा क्या कहलाता है, क्वालिटी कंक्रीट कहलाता है। कंक्रीट की जो उसमें कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। अगला चीज़ क्या, इट रिड्यूसेड द कंक्रीट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट रिइंफोर्समेंट फ्रॉम करोजन। देखिए करोजन से कंक्रीट क्या होता है, कभी कभी खुद ब खुद लड़ लेता है, लेकिन ये क्या करता है, कार्बोनाइजेशन क्या करता है, ये उसके भी इफेक्ट को क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, ठीक है। ये श्रिंकेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। श्रिंकेज सेंस क्या है, ये पानी को एब्जॉर्ब करके श्रिंक कर सकें, ठीक है। तो ये उसके भी कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बात आती है कि हम किस तरह पता करेंगे कि कार्बनाइजेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कार्बनाइजेशन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग एन इंडिकेटर। एक इंडिकेटर होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ कार्बनाइजेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है कि जहाँ पे हमारा कंक्रीट टूटा है वहाँ पे हम फेनोप्थलीन का स्प्रे करते हैं। फेनोप्थलीन का स्प्रे करने से भी हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे कार्बनाइजेशन है कि नहीं। जो हमारे एल्कलाइन एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो पर्पल पिंक कलर में वहां पे आने लगता है।
और जो कंक्रीट का कलर होता है, कंक्रीट का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वो अब रिमेंस कांस्टेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बार्स हैं उनमें ही चेंजेस आता है। अब देखिए करोजन का रिएक्शन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उपस्थित है, और ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं क्या है, हमारा मॉइस्चर अवेलेबल है। नीचे हमारे बार्स में क्या है, हमारा आयरन मौजूद है, यानी Fe मौजूद है, ठीक है। और वहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयन मौजूद है, कुछ निगेटिव आयन मौजूद है। और जो हमारे क्लोराइड्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, मास्टिंग ऑलवेज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्लोराइड अगर पॉजिटिव वाले से रिएक्शन करता है, पॉजिटिव से रिएक्शन करता है और निगेटिव से रिएक्शन करता है, तो ये दोनों रिएक्शन में क्या होता है, अलग 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 चीज़ें इसमें बनती हैं। और दोनों ही केस में क्या होता है, हमारा रीबार होता है, करोजन जो होता है वो रीबार होता है। अब देखिए जो रीइंफोर्सिंग स्टील करोजन के बारे में बता रहा है, ठीक है, करोजन कैसे 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 क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये फिगर मैंने आपको दिखा दिया, जो करोजन होता है वो आयरन आयरन में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उसके प्रेजेंस की वजह से होता है। तो ये दोनों जब प्रोसेस होता है तो उसकी एल्किनिटी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, मतलब जो उसका बेस है उस बेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है और उसको एसिड में चेंज कर देता है, जिस वजह से इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। पीएच वैल्यू कम जैसे ही होता है तो ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल होने लगता है। वो आपके क्या करते हैं, पूरा का पूरा इसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ख़राब करने लगते हैं, ठीक है। और धीरे 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 क्या होता है, ये सरफेस ख़राब हो जाता है आपका, ठीक है। जो भी आपका रस्ट होता है वो कभी कभी क्या कर जाता है, रस्ट भी आपका क्या कर जाता है, उसमें स्वाइलिंग होने लगती है। और रस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं सरफेस को भी एक तरीके से ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह का जब भी प्रोसेस होता है तो क्या होता है, काफ़ी जल्दी और काफ़ी बहुत रैपिड तरीके से डिके होता है, जो हमारा मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, ठीक है। देखिए करोजन डैमेज के लिए हम आपको कुछ फिगर्स दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है। तो पहला यहाँ पर क्या हुआ, देखिए करोजन लॉस हुआ है, जो बार्स हैं वो कहीं ना कहीं से क्या है, पानी से मॉइस्चर लेके अपने एल्किनिटी को काफ़ी ज़्यादा कम कर ली होंगी, यानी वो बेस की तरफ आ गए होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंक्रीट जो थी, कंक्रीट के अंदर क्या था, रिइंफोर्समेंट जो हमारा इम्ब्रेड था उसके ऊपर क्या हुआ, लेयर बन गया। लेयर बनने की वजह से क्या हुआ, वो फूल गया। फूलने की वजह से क्या हुआ, जो कंक्रीट है वो कंक्रीट में क्या हुई, कंक्रीट में भी हमारी क्रैक्स आने लगी। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये बीम एक कॉलम का फिगर है, आप इसमें देख सकते हैं कि कालम कितनी बुरी तरीके से कालम का नुकसान हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, ये देखिए क्या बता रहा है, अबॉन्डेड इलेक्ट्रिक पोल, ऐसा इलेक्ट्रिक पोल जिसको छोड़ दिया गया है। देखिए ये आपके एक आइलैंड का दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक आरओ का प्लांट लगा है, आरओ के प्लांट में जो भी अवेलेबल वाटर होता है उसके कारण देखिए कितनी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो बार्स है उतने दूर की पूरी बार्स जो है वो गल के ख़त्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं जो बार्स हैं उनकी कितनी बुरी हाल हुई है, ठीक है, पूरे के पूरे जो बार्स हैं वो गल के ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इस पूरे का पूरे सरफेस में जो समुद्र का पानी है, नदी का पानी है, वो क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा साल्टी था, तो इसमें क्या हो गया, सॉल्टिंग हो गया है, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ शो कर रहा है करोजन रेट के बीच में और साल्ट कंसंट्रेशन के बीच में। साल्ट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिए कुछ लेवल तक तो क्या था,
कंक्रीट हमारा नॉर्मल था, लेकिन एक लेवल के बाद जाके कंक्रीट क्या हुआ, लगातार बिल्कुल बढ़ता ही गया खराब होना, सॉरी जो हमारा बार्स है वो बार्स में करोजन होना ही होने ही लग गया, काफ़ी ज़्यादा बार्स खराब होने लगा एक प्रोसेस के बाद चलते। ये कुछ फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या हुआ, क्लोराइड की वजह से जो हमारा करोजन है वो एक्सपोज होके खराब हो रहा है। अब देखिए जो आपके स्टील्स हैं, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी उसमें डिफेक्ट्स आ जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाती है, तो इस कारण भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अब बात आप एंड पैच डेक और बिट्स एनोज है, तीसरा फ्लाई है, चौथा है हॉट डिप ग्लेवर ग्लेवाइजिंग, उसके बाद आता है वायरलेस सेंसर, फिर उसके बाद आता है इनहेबिटर्स। पहले रीबार में कोटिंग क्या होती है, देखिए जो भी आपके एडेसिव जो भी आपके बार्स हैं वो बार्स क्या है, जैसे कि हमको पता है पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं, तो उनको केमिकली स्टेबल करने के लिए, वियर एंड टीयर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें एंटी करोड डिकम्पोजिशन को हटाने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कई सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं बिल्डिंग में जो पेंटिंग होती है उस पेंटिंग को हम क्या करते हैं फार्म करते हैं, बार्स के ऊपर एक पेंटिंग की जाती है जिसकी वजह से जल्दी इस पर क्या होता है करोजन नहीं लगता है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इपॉक्सी की कोटिंग कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे इपॉक्सी आते हैं, उन इपॉक्सी की कोटिंग कर देते हैं। इपॉक्सी क्या होता है, एक तरीके से हमारा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो पदार्थ बिल्कुल अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है तो एकदम जम के वो सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस देखिए साल्ट्स का है, साल्ट जैसे कि हमने आपको बताया क्या होता है, इसमें आयरन के आयन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आयन से क्या करते हैं भागीदारी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें सॉल्ट में क्या हो जाता, सॉल्टिंग हो जाता है, ठीक है ना, सॉल्टिंग हो जाता है। देख लीजिए दूसरा फिगर भी क्या है, दूसरा फिगर भी इसी को शो कर रहा है। अगर हम इस पर क्या करते हैं एक लेयर चढ़ा देते हैं तो उस लेयर के चढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी दिक्कत है अब देखिए जो इपॉक्सी आता है अगर हम कैथोड पे करते हैं तो कैथोड एरिया को वो रिड्यूस करता है, एनोड पे करते हैं तो एडोस को रिलीज करता है, कम कर देता है, ठीक है। मतलब हम उसको जिस भी पाथ पे यूज़ करते हैं उस चीज़ को क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो थर्मल स्प्रे के बारे में। थर्मल स्प्रे में क्या होता है, जिंक और एल्युमिनियम की कोटिंग, उसके बाद जिंक और एल्युमिनियम की कोटिंग हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग और एल्युमिनियम की कोटिंग हम अपने बार्स पे करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये बाहरी एटमॉस्फेयर से लड़ने के लिए उनको क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो बाकी अलॉय होते हैं, एलॉय जो होते हैं जैसे कई मटेरियल्स को मिला के बनाया जाता है, तो इन एलॉय में भी क्या होता है, एलॉय में भी हम किसी चीज़ का यूज करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जो आपका एनोडिक रिएक्शन होता है, एनोड पे जो भी रिएक्शन होता है, ये इसको क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, ठीक है। और ये जो थर्मल आपका प्रोटेक्शन होता है, ये इन्वायरमेंट में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट बन रहे होते हैं मॉइस्चर के थ्रू, उनको भी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। जैसे कि हमारे पेंट्स में पॉलीमर और इपॉक्सी का प्रयोग किया जाता है, सेम उसी प्रकार से हम अपने बार्स में क्या करते हैं, एल्युमिनियम और जिंक की कोटिंग करते हैं, एनोडिक जो हमारा एनोड पे रिएक्शन हो रहा है उसको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें क्या करता है, इसमें हम जिंक और जिंक एलॉय का क्या करते हैं, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं नीचे हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, जिंक या फिर जिंक के ऑक्साइड्स का हम उस पर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्लाई, होते हैं और जो हमारे क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करता है, इसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है हमारे बार्स के लिए। तो अगर हम फ्लाई ऐश का प्रयोग ज़्यादा करें या फिर जो हमारे क्लोराइड्स होते हैं इन सब का प्रयोग अगर हम सही से, फ्लाई ऐश का प्रयोग अगर हम सही से करते हैं तो जो कार्बोनाइजेशन और क्लोराइड्स का प्रोसेस है इसको काफ़ी ज़्यादा ये कम कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं जो फ्लाई ऐश क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बहुत छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल्स के फॉर्म में सिलिका होती है, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्लाई ऐश होता है। इन फ्लाई ऐश में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पाया जाता है और कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट को भी पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, बिल्कुल भी बाहरी चीज़ों से रिएक्शंस नहीं करते हैं। अगला आपका आता है कैथोड के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे कंक्रीट है उस पर क्या करते हैं, पहले से ही उसमें हम क्या करते हैं, करंट का कनेक्शन कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, इस प्रकार की दिक्कत ना हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, टाइटेनियम एनोड मेस का भी प्रयोग करते हैं, एक जाली टाइप की हमारी आकृति होती है जिससे क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारा बना होता है टाइटेनियम का और जिसको हम एनोड के फॉर्म में वर्क करते हैं। इसको नॉर्मली तौर पे हम क्या करते हैं, कंक्रीट सरफेस से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमको काफ़ी ज़्यादा बचाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं जिसका हम भी प्रयोग करते हैं। प्रयोग जो एनोड्स पे होता है ये क्या करता है, कंक्रीट में जो भी पैचेज हैं या रिपेयर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ दे देता है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल होता है, इस पर किसी पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, किसी वायरिंग की आवश्यकता नहीं होती है और ये क्या होता है, ये मेंटेनेंस फ्री भी होता है। अब आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल कॉन्क्रीट है और दूसरी तरफ रिपेयर कॉन्क्रीट है। ठीक है, इन दोनों में देख सकते हैं प्रोसेस जो है वो कितना ज़्यादा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, फिर आप क्या देख सकते हैं, ओरिजिनल है एक आपका रिपेयर है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे ओरिजिनल कंक्रीट होते हैं वो उनमें अफेक्शन जो होता है वो काफ़ी सही हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जिंक है, जिंक की कोटिंग क्या की जा रही है, पूरे के पूरे बार्स में जिंक की कोटिंग की जा रही है। अब देखिए कैथोड के प्रोडक्शन के लिए हमको क्या करता है, करना पड़ता है, हमको अपने एनोड को क्या करना पड़ता है, पूरी का पूरा सैक्रिफाई करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है कि हमने क्या किया है, हमारा जो एनोड है, एनोड जो हमारा पॉजिटिव है और जो कैथोड हमारा निगेटिव है, हम दोनों इन दोनों को क्या किए, एक स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दिए और स्विच बोर्ड के थ्रू ही हम दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, अब इसी तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अभी ये इसका एक पार्ट है, इसी चैप्टर में इसका पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर टू की भी हम स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। पार्ट नंबर टू में हम सारी चीज़ों के बारे में वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, वो भी प्रोसेस क्या है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये सब आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये एक बहुत छोटे से टॉपिक में था, लेकिन स्टडी मटेरियल चूंकि उतना अच्छा नहीं मिल रहा था इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने पूरी की पूरी पीपीटी ही डाउनलोड कर ली।